वही अगर कोई बड़े जाति, क्योंकि लोगों लोग ही कहते हैं कि हम बड़े जाति हैं, वही किसी बड़े राजपूत ब्राह्मण के घर में ऐसा चीज होता तो वही आज कितना बड़ा विवाद होता। आज बहुत बड़ा विवाद हो जाता, वहाँ नेता सब चीज पहुँचते, तुरंत कार्रवाई भी होता, लेकिन वहाँ पे चार परिवार दलित परिवार है, उसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि वो को मिला। और मुझे ये चीज जान करके मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब एक कोख से जन्म लेने वाला बेटा और एक ऐसी माँ के मुँह में मतलब बोलते हुए शर्मा रही है, टॉयलेट किया वो जो लड़का था, वो उनके मुँह टॉयलेट किया और इस कदर की जो चीज़ें करी, इस पर क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ दलित महिलाओं को प्रताड़ित होती है, उनके साथ अन्याय होता है। खुसरूपुर की कहानी आप लोग देखे ही हैं, सुने ही हैं किस कदर महिला के साथ किया गया है व्यवहार। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियंका जी और हेप्टा फाउंडेशन की टीम है। मैम, आप गई हुई थी, महिला से मिली, क्या कुछ देखने को मिला वहाँ? देखिए, फ़िलहाल जो जिसके साथ ये घटना घटी है वो उस हालत में नहीं है कि उठ के बैठ भी पाएगी खुद से, क्योंकि उस सब चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल पाई है। और सारी उस पर जो आपत्ति बीती है वो सारी बातें हमें बताई है। देखिए, इस घटना की जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है, ये निंदा शब्द भी कम पड़ रही है इस घटना के लिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उस महिला को न्याय मिले, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया महिलाओं के ऊपर राजनीति करना, रोटी सेकना। फिलहाल ये सब बंद करिए, क्योंकि महिलाओं की आबरू की बात है अब। और इस कलयुग में जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हो रही है, हमें नहीं लगता कि अब कोई कृष्ण आ पाएंगे इसे बचाने के लिए। तो मैं यही निवेदन करती हूँ कि इस घर को एक अपने घर से जोड़ के देखिए, क्योंकि आज वो महिला जो है सो नन नहीं हुई है, नन आज समाज हुआ है, नन आज हम सभी हुए हैं। और इसे जब हम स्वीकार करेंगे तभी हम उसकी लड़ाई लड़ पाएंगे। और कुछ लोग हैं जो इसे जातिवाद की टारगेट कर रहे हैं, जातिवाद में उलझाना चाहते हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगी, उस महिला के लिए सोचिए, उसको न्याय दिलाने में हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। दूसरी बात है कि देखिए कैसा प्रशासन है और कैसा सरकार है कि उनकी प्रशासन ना तो अभी तक उनके घर पे कोई सुरक्षा व्यवस्था दिए हैं। जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना घट रही है उस परिवार को इतना बड़ा धमकी पे धमकी मिल रही है, उस परिवार को ज़रूरत है सुरक्षा की, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक भी प्रशासन उसके घर पर नहीं जाता है, एक भी प्रशासन नहीं। दूसरा, आपको आश्चर्य लगेगा कि जब उसका पति ने एक आवेदन लिख करके, उसका कोई आदमी थे, पति नहीं कोई और थे, जो आवेदन लिख करके थाना में दिए, उस आवेदन का एक कॉपी भी उन लोगों को नहीं सौंपा गया था। लेकिन कहा गया मैम कि दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये फेक न्यूज़ जिन लोगों ने बताया है कि दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आज वहाँ पर गई हूँ, मैं प्रशासन से मिली हूँ, मैं थाना से मिली हूँ, और मैं पीड़ित परिवार से पूछी क्या दो आरोपी सुने जो गिरफ्तार हुआ है, बोला मैडम कुछ नहीं पता है हमें। अरे, जिसको एक रिसीविंग नहीं मिला हुआ FIR कॉपी का, उसे क्या पता कि कौन अरेस्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। ये तो उसको बताना चाहिए ना कि कोई अरेस्ट भी हुआ है नहीं हुआ है इस केस में, कोई बात। क्योंकि देखिए, वो परिवार जो है उतना कैपेबल नहीं है, उतना मतलब जागरूक नहीं है जो चीज़ों को लेकर समझ पाएंगे कि हमें रिसीविंग भी लेना है, हमें पढ़ी लिखी नहीं नहीं है, वो परिवार उतना नहीं है। तो जाहिर सी बात, इस मुद्दे को ढकने के लिए अभी तक उसको रिसीविंग भी नहीं दिया गया था। आपको बता दूं कि जिस तरीके से इसको लिपापोती किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये लिपापोती नहीं होने दूंगी मैं लोग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्या है और महिला के आबरू पे राजनीति मैं चलने नहीं दूंगी। जब मैं प्रशासन से मिली तो मेरी सवाल उनसे यही थी कि अभी तक उस घर पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं, तो उसने बोला मैडम मैं अभी भेज रहा हूँ। बोला मैं भेजना ही रहा हूँ, रात भर वहाँ पे हमको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, जब तक ये मामला पूरा स्पष्ट तौर से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उसका सुरक्षा चाहिए हमको। दूसरा, आरोपी गिरफ्तार एक हुआ है, वो आज सरेंडर किया है, आज सरेंडर किया है, और
जो जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैं उसके लिए बोली क्यों नहीं हुई है, उसकी जांच क्यों नहीं अभी तक हो रही है, नहीं तो कुर्की जब्ती करिए, उसका घर के ऊपर बुलडोजर चलाइए। मैम जिस कदर सुनने को मिला और मुझे ये चीज़ जान करके मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब एक कोख से जन्म लेने वाला बेटा और एक ऐसी माँ के मुँह में मतलब बोलते हुए शर्मा रही है, टॉयलेट किया वो जो लड़का था, वो उनके मुंह टॉयलेट किया और इस कदर की जो चीज़ें करी, इस पर क्या कहेंगे मैम? देखिए मैं सबसे पहली बात बता दूं कि ये ऐसे लोगों जो जिसकी ऐसी मानसिकता होती है ना, उसे हम या आप उसकी मानसिकता नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम उस पर लगाम तो लगा सकते हैं ना, उसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा तो दिलवा सकते हैं ना, लेकिन हमारा देश का संविधान, हमारा कानून ऐसा है जिसमें आज वो अंदर जाएगा 1 से 2 महीने के बाद फिर बेल लेके बाहर निकलेगा, तो आप ही बताइए उसका मनोबल बढ़ेगा या घटेगा, मनोबल बढ़ना ही बढ़ना है, तो हमारे संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से एमपी में उस दरिंद घर पे बुलडोजर चली थी, उसी तरीके से बिहार में इस दरिंद के घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए थी, सरकार को बुला करके उस महिला को सम्मान करना चाहिए था, उसको वो दर्जा देना चाहिए था, ताकि उसको ये ना लगे कि हम कैसे आगे की ज़िंदगी जी पाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को बुला करके उनका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन हमारे जो सुशासन बाबू की सरकार है, ये सिर्फ महिलाओं के नाम पे राजनीति का करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट पे कितना महिला सुरक्षित है, कितनी बेटियां सुरक्षित है, बोलबाला बोलने से नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है हमारे सरकार से मांग है कि इस घर को स्पीडी ट्रायल चला कर इसकी सजा होनी चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस महिला को मैंने मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, इस महिला को मुआवजा मिलनी चाहिए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। यहाँ पर हेबडा फाउंडेशन की टीम है और सर मेरा पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है, महिलाएं सुरक्षित है बिहार में? बिल्कुल नहीं है, ये सब घटना हम लोग तो डेली का डेली यही घटना देख रहे हैं कि असुरक्षित है, कभी सहरसा का मामला आ जा रहा है, कभी चांदनी का मामला आ जा रहा है, आज ये मामला आ जा रहा है, तो स्थिति यह है कि जितना भी वो अपने 7 निश्चय में दिए हुए हैं, तो उनका शराब का मामला फेल है, महिला को सशक्त करने का मामला फेल है, सारा का सारा फेल है, सिस्टम पूरा फेल्योर है। अब हमको बोलना पड़ेगा, ये वर्ड बोलने में हम लोग समाजसेवी को थोड़ा ख़राब लगता है कि जंगल राज पार्ट 2 एकदम स्टार्ट है, जो जिसको मन में आ रहा है उस हिसाब से करता जा रहा है, हम लोग कितना देखेंगे। महिला आयोग की टीम भी आई, महिला आयोग के पास तो ऐसा फंड नहीं है कि हम पीड़िता को लेके गए हैं और वो लोग के पास एक पेपर नहीं होता है, एक पेन नहीं होता है, वो 42-42 रुपये का 3-3 स्टाम्प पेपर के लिए 3-3 लिफाफा चाहिए, उनको लिफाफा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां महिला आयोग के पास चाय पिलाने का पैसा नहीं है, पेन का पैसा नहीं है, कागज़ का पैसा नहीं है, क्या वो ये सब चीज़ों में न्याय दिला पाएगी? आप खुद सोच सकते हैं। बहुत शर्म की बात है और बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, और सुना है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और फ़ोटो खिंचवा कर आ जाते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सर आप वहाँ गए, महिला को देखा, क्या लगता है महिला सुरक्षित है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी खबर आ रही है महिलाओं को लेकर के, जहाँ महिलाएँ प्रताड़ित हो रही है। देखिए महिला के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही है, हम लोग अभी गए थे पीड़ित से मिले भी, देखे उसका सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसके घर के लोग सारे डरे हुए हैं और उनके साथ कोई नहीं है कहीं पे जाने के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों को पता भी नहीं था कि हमारे साथ जो ये घटना हुआ है तो इसका FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, आरोपी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, उनको कुछ नहीं पता था, और लोग जा रहे सिर्फ मिल के आ रहे, कोई कुछ कर नहीं रहा था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, पीड़िता से बात किए, हम लोग देखे उसके साथ जो ये निंदनीय अपराध हुआ है उसका हम लोग विरोध किए और हम लोग थाना का घेराव भी किए, उसके परिवार के साथ जाके थाना का घेराव किए, घेराव करके उसको FIR का कॉपी भी हम लोग दिलवाए और थाना कॉपी तक नहीं मिली थी, उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, चुपचाप वो घर पे था। हम लोग FIR का कॉपी भी दिलवाए हैं, पुलिस प्रशासन से हम लोग उसको आश्वासन भी दिलवाए, वहाँ से तुरंत हम लोग वहाँ पे प्रशासन की उसके सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी करवा के हम लोग आए हुए हैं। तब तक आरोपी एक उसका पिता जो है
प्रमोद सिंह वो सरेंडर किया, उसका बेटा किशन सिंह है, किशन सिंह किशन है वो शायद नाम, हम वो अभी तक फरार चल रहा है, उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है और पुलिस प्रशासन भी सोई हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन देखिए ऐसे में महिला के साथ नीतीश जी कहते हैं कि सुरक्षा सुशासन बाबू की सरकार है, कहाँ सुशासन बाबू की सरकार है, आए दिन महिला के साथ ऐसी घटनाएँ होती रहती है, दिन रात देखिए महिला की इज्जत का तार तार किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जाति के नाम पर टशन दिखाने वाले लोगों को सुधर जाना चाहिए? सुधर जाना एकदम सुधरना चाहिए। देखिए आज जाति के नाम पे दलित है, दलित सारा लोग दलित कह रहे हैं कि दलित के साथ ऐसा अन्याय किया, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा आज एक दलित के साथ हुआ, सारी महिलाओं के साथ हुआ, ऐसी महिलाएं बहुत हैं जिसके साथ ऐसी प्रताड़ना होती है आए दिन।